दोस्तों, मिशन कश्मीर के डायरेक्टर और पीके और संजू जैसे फिल्मों के निर्माता प्रोड्यूसर विद्वेन चोपड़ा की शिकारा का जब 15-20 दिन पहले टीजर रिलीज हुआ था, तब मैंने उस पर वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि इस फिल्म के उद्देश्य कुछ मुझे अच्छे नहीं लग रहे, कुछ ठीक नहीं लग रहे। उसके बाद में अभी कुछ दिन पहले ही इसके ट्रेलर को रिलीज़ किया गया, तब से आप में से बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आए, मैसेजेस आए कि मैं इसके ट्रेलर का भी रिव्यू करूँ। मैंने देखा ये ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद में बहुत सारे हमारे मित्र इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी मैंने देखा कई सारे पेजेस इस ट्रेलर को शेयर कर रहे हैं, इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। पर मुझे मैंने जो बात इसके टीज़र रिव्यू में कही थी, अभी भी मेरा ओपिनियन वही है। चलिए थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। अभी हमें इस ट्रेलर में क्या दिखाई दे रहा है? कुछ आज़ादी के नारे सुनाई दे रहे हैं और कुछ कश्मीरी हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों, क्या आज हमें देश में आज़ादी के नारे नहीं सुनाई दे रहे? उल्टा फिल्म में जिस प्रकार के नारे हमें सुनाई दे रहे हैं, उससे भी भयानक भयानक नारे आज हम देश में देख रहे हैं, जैसे कि जिन्ना वाली आज़ादी, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, हिंदुओं से आज़ादी, और फकोम फक हिंदुत्व, और भी बहुत भयानक भयानक नारे हमने पिछले एक महीने में सुने हैं। तो क्या आप कहीं पर भाग कर जा रहे हैं? नारे तो आपने भी सुने ना, आज भी बसेस को, ट्रेन्स को, रेलवे स्टेशन को, पब्लिक प्रॉपर्टी को, सार्वजनिक संपत्ति को जलाया जा रहा है आज भी। तो क्या आप भाग रहे हैं? क्यों नहीं भाग रहे? आप भी तो आज़ादी के नारे सुन रहे हैं ना। अभी भी तो कब्र खोदने की बातें हो रही है, खिलाफत 2.0 की बातें हो रही है, जिन्ना वाली आज़ादी की बातें हो रही है, तो आप क्यों नहीं भाग रहे? दोस्तों, कश्मीरी हिंदू केवल कुछ नारों को सुनकर या कुछ आगजनी हुई थी इस वजह से नहीं भागे थे। उस समय जो भयानक अत्याचार, जो नरसंहार, जो सामूहिक बलात्कार हुए थे, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते जो हुआ था 1990 में कश्मीर में। क्या आपको सच में लगता है कि ये फिल्म जो कश्मीर में हुआ था उसे न्याय दे पाएगी? आपने ट्रेलर में सुना ना क्या नारे लग रहे हैं, अब रियलिटी में सुनिए क्या नारे लगे थे 1990 में। 4 जनवरी 1990 को आफ्ताब समाचार पत्र में हिजबुल मुजाहिदीन ने प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करके सभी हिंदुओं से घाटी छोड़ने के लिए कहा। एक अन्य समाचार पत्र अलसफा में भी यही प्रेस विज्ञप्ति छपी। जल्द ही यही नोटिस कश्मीरी पंडितों के घरों के दरवाजे पर चिपका दिए गए। पूरे कश्मीर में मस्जिदों से घोषणा की जा रही थी कि कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। मुजाहिदीनों की प्रशंसा में चारों तरफ गुणगान किया जा रहा था और भीड़ में खुले तौर पर बंदूकें लहराई जा रही थी। जागो जागो सुबह हुई, रूस ने बाजी हारी है, हिंद पे लर्जा तारी है, अब कश्मीर की बारी है, बार बार ये गाना मस्जिदों से चलाया गया। अगर कश्मीर में रहना है अल्लाह अकबर कहना होगा, ऐ जालिमों ऐ काफिरों कश्मीर हमारा छोड़ दो। इन नारों का सिलसिला मानो थमने का नाम नहीं ले रहा था, एक बंद होता था तो दूसरा शुरू हो जाता था। इन्हीं नारों में एक नारा था, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान पंडित आदमियों के बगैर पर पंडित औरतों के साथ। ये नारा बार बार और जोर शोर से दोहराया गया। अब हमारे डर ने एक नया रूप ले लिया था। परिवारों ने महिलाओं को स्टोर रूम में छुपा दिया, ये कहने की जरूरत नहीं कि जब भीड़ हमला करे तो वो स्वयं को आग लगा ले। कोई ऐसा गांव, मोहल्ला, गली या जगह नहीं थी जहां इन नारों का शोर ना हो। सरकार, बुद्धिजीवियों, निरपेक्षवादियों, देश के प्रति सद्भावना रखने वाले सबकी अंतरात्मा सोने चली गई थी। कोई भी इसके बारे में बोलने को तैयार नहीं था। 19 जनवरी 1990 के बाद के दिनों में कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम शुरू हो गया। 60,000 से ज्यादा परिवारों ने पलायन किया और उनको ऐसे शिविरों में रखा गया जहां शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी। इन शिविरों में काफी बड़ी तादाद में बीमारी से मौतें भी हुई। ज्यादातर मौतें सांप के काटने और अत्यधिक गर्मी के कारण हुई। पंडितों के हजारों घरों, सैकड़ों मंदिरों को जला दिया गया और जमीन में ढा दिया गया था। आतंकवादियों ने 2 महीने के बच्चों को भी नहीं बख्शा। पंडित के पूरे पूरे गांव को साफ कर दिया गया। आज तक एक भी व्यक्ति को दोषी करार नहीं दिया गया। हजारों पंडितों की हत्या व नरसंहार की सजा तो दूर की कौड़ी है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सच्चाई को विद्वेन चोपड़ा अपनी फिल्म में दिखा पाएंगे? देखिए, ये जो लाखों लाखों कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, बलात्कार हुए थे, जो उनको उनका विस्थापन हुआ था, इसके पीछे का उद्देश्य साफ था। वहाँ पर जो कट्टरपंथी संगठन थे उनका गजवाए हिंद का उद्देश्य था, इस्लामिक स्टेट उनको वहाँ पर बनाना था,
और तभी नहीं, अभी भी धारा 370 हटने के पहले तक भी हम देख रहे थे कि किस प्रकार से वहाँ पर ISIS के झंडे वगैरह फहराए जाते थे। तो उद्देश्य बिल्कुल साफ है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं कि वहाँ पर उनका उद्देश्य क्या था इन कट्टरपंथी संगठनों का। पर अगर आप कल्पना कीजिए कि इस फिल्म में इस उद्देश्य को अगर दिखाया ही नहीं जाए और ये दिखाया जाए कि भाई बस ये कुछ एक पॉलिटिकल मुद्दा था, कुछ राजनेताओं की वजह से ये बस विस्थापन हुआ हिंदुओं का, अगर ऐसा फिल्म में दिखाया गया तो, या फिर बरखा दत्त ने जो एक बहुत ही शर्मनाक बयान दिया था इस विस्थापन पर, बरखा दत्त ने कहा था कि कश्मीरी हिंदुओं ने वहाँ पर जॉब्स पर कब्जा कर लिया था, इस वजह से उनको वहाँ से भगाया गया। आपको ये सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा, पर अभी भी वो वीडियो यूट्यूब पर है, देख लीजिए। इतने निर्लज्जता के साथ में इस भयानक कत्लेआम को, विस्थापन को जस्टिफाई किया गया था। पर चलिए, ज़्यादा निगेटिव नहीं सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि भले ही ये फिल्म पूरी सच्चाई ना भी दिखाए तो भी चलेगा, पर कम से कम हिंदुओं के जख्मों पर फिल्म नमक ना छिड़के, इतनी अपेक्षा तो हम कर ही सकते हैं। और एक और पॉजिटिव बात इस फिल्म से ये हुई है कि हमें ये तो पता चला कि भाई बॉलीवुड को पता तो है कि 1990 में कश्मीरी हिंदुओं के साथ में ऐसा कुछ हुआ भी था। तीसरी पॉजिटिव बात इस फिल्म की यह है कि इसके ट्रेलर रिलीज होने के बाद में जो हमारे देश के कूल ड्यूड्स है, जो भी विनोद चोपड़ा को बहुत पसंद करते हैं, उन्हें कम से कम इस ट्रेलर के बाद में इतना विश्वास तो हो गया, इतना तो पता चल गया है कि भाई 1990 में ऐसा कुछ हुआ था। नहीं तो इसके पहले जब भी मैं कश्मीरी हिंदुओं के इस कत्लेआम के बारे में बात करता था तो मुझे कहते थे यार क्या फालतू की बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। लिटरली रियली ऐसे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, पर फिर भी मैं कहूँगा कि बस इमोशनल होकर, भावनाओं में बहकर इस फिल्म को प्रमोट करने में मुझे कोई भी औचित्य नज़र नहीं आता। पहले हमें फिल्म को रिलीज़ होने देना चाहिए, देखना चाहिए कि फिल्म में क्या दिखाया है क्या नहीं। अगर फिल्म में तथ्यों के साथ में छेड़छाड़ नहीं की गई होगी तो हम खुद फिल्म को प्रमोट करेंगे, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो अभी इस फिल्म के ट्रेलर को प्रमोट कर रहे हैं, उन हिंदुओं की भावनाओं को भी मैं समझ सकता हूँ, उनकी भी गलती नहीं है। क्योंकि देखिए, पिछले 1000 सालों में जो हिंदुओं का, जो इस देश की संस्कृति में विश्वास करते थे, उनका जो नरसंहार हुआ है, और स्वतंत्रता के बाद भी उस नरसंहार के बारे में बात करना एक अपराध बन गया था। जैसे इतना भयानक कत्लेआम इस पूरी विश्व में, इस पूरी दुनिया में जितने भी जेनोसाइड हुए हैं, जितने भी कत्लेआम हुए हैं, होलोकॉस्ट वगैरह जो भी आप कहें, जितने भी नरसंहार हुए हैं, वो हिंदुओं के नरसंहार के सामने 1% भी नहीं है। इतना भयानक कत्लेआम हिंदुओं का पिछले 1000 सालों में हुआ है, पर इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। और इसके बारे में बात करना मतलब एक प्रकार से कोई इस पर बात करे तो उसे कम्युनल कहा जाता है, सांप्रदायिक कहा जाता है। पर यही कूल ड्यूड्स जो इसे कम्युनल मानते हैं, सांप्रदायिक मानते हैं और हिंदुओं के नरसंहार को काल्पनिक मानते हैं, यही कूल ड्यूड्स मुझे नीचे कमेंट में कमेंट करके कहते हैं कि भाई उस फलानी फलानी फिल्म का रिव्यू करो, ज्यूज के होलोकॉस्ट पर, उनके नरसंहार पर फिल्म आधारित है, कई सारे एकेडमी अवार्ड्स मिले हैं, उसका रिव्यू तुम्हें करना चाहिए। पर इन्हें अपने ही देश में जो नरसंहार हुआ है, जो उससे हजार नहीं लाख गुना ज़्यादा भयानक था पिछले 1000 सालों में ये सब हुआ है, पर इसके बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं है। और इस पर हम बात करें तो उन्हें ये सांप्रदायिक होना लगता है। पर चलिए, हम अगर स्वतंत्रता के पहले के इतिहास को छोड़ भी दें तो भी स्वतंत्रता के बाद भी हमने इस प्रकार के नरसंहार देखे हैं। 1990 के कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार ही ले लीजिए, और वहाँ पर जो हत्या, लूट, बलात्कार, विस्थापन हुआ, उसे दबा दिया गया। पिछले 30 सालों में कभी उस पर चर्चा तक नहीं हुई, चर्चा की बात ही छोड़ दीजिए, किसी एक व्यक्ति को भी उसके लिए सजा तक नहीं हुई है, किसी को नहीं हुई। और वो भी तब जब उन आतंकवादियों के वीडियोज अवेलेबल है, वो खुद कैमरे पर आकर कैमरे के सामने उन्होंने कहा है कि हाँ, हमने कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया है, हमने उन्हें मारा है। वो वीडियोस मैंने हमारे दी कश्मीर फाइल्स के वीडियो में दिखाए हैं, वो वीडियो आप हमारा ज़रूर देखिए। ये सब होते हुए भी किसी को सज़ा तक नहीं हुई। अरे सज़ा छोड़ दीजिए, ये जो आतंकवादी है उनके साथ में हमारे देश के सेकुलर पार्टी के राजनेता हाथ मिलाते थे, स्माइल चेहरे पर हंसकर, और उनके भी वीडियोज़ अवेलेबल है कि हाँ, हमने भारतीय सेना के जवानों को मारा है, फिर भी उनके साथ में इस प्रकार से हाथ मिलाए जाते थे। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई इतनी पुरानी बात है, क्या इस केस को खोलना। ये सब हुआ पिछले 30 सालों में, ये सब हुआ, लेकिन किसी वामपंथी ने, किसी लिबरल ने
इंसाफ की मांग नहीं की, न्याय की मांग नहीं की। बॉलीवुड को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर अभी 2014 के बाद में लोग जागरूक हो रहे हैं, तो बस पैसे कमाने के लिए मेरे ख्याल से इन मुद्दों का भी उपयोग किया जा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि वो इसे कुछ न्याय दे पाएंगे, बस अपने स्वार्थ के लिए, पैसे कमाने के लिए वो लोगों के इमोशंस के साथ में खेलेंगे, ऐसा ही मुझे लगता है। पर फिर भी मैं कहूँगा, चलिए ज़्यादा निगेटिव नहीं सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं और अपेक्षा करते हैं कि भले ही ये फिल्म पूरी सच्चाई ना भी दिखाए तो भी चलेगा, पर बस जख्मों पर नमक ना छिड़के। जय श्री राम, वंदे मातरम।